अल्लाह पनिशमेंट झूठ देने बोल की। सकता है या नहीं बोल सकता, नंबर एक बात है। नंबर दूसरी बात, अगर अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता तो फिर अल्लाह कादर कैसे हुआ? बेवकूफ जैसा सवाल है, लेकिन हम लोग क्विक आंसर दे देंगे इसका। जी शकीफ, बहुत शॉर्ट शॉर्ट एंड इजी आंसर ये आंसर। है कि ये कहना कि अल्लाह ताला अगर हर चीज पे हाजिर है तो अल्लाह ताला को झूठ भी बोलना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही ना मिसाल में कि मतलब कोई ऐसा जो है सर्कल बताइए जिसका कोई कोना हो, कोई ऐसा दायरा बताइए जिसका कोई कोना हो, ये दोनों चीजें कैसे मुमकिन है कि दायरा भी हो और कोना भी हो? तो अल्लाह ताला झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला की मतलब अल्लाह ताला के लिए जो अच्छी सिफात है तो बुरी सिफात अल्लाह ताला के लिए है ही नहीं, तो ये इसका इसका कुदरत से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह ताला की शान शान है ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला झूठ बोले, तो ऐसी चीजों में कुदरत की कोई बात नहीं आती। हम देखते हैं कुरान में दिया है, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 87, वमन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बात किसकी, वमन अस्दकु मिनल्लाहि कीला, अल्लाह से सच्ची बात किसकी, तो अल्लाह से सच्चा बयान किसका, अल्लाह से सच्ची बात किसकी, तो अल्लाह सच्चा है। हाँ, अल्लाह ताला हमें सिर्फ सच्ची सही बात अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, और हमें हक और दीन का हक, हक के जो दीन, जो हक दीन हमें मिला है अल्लाह की तरफ से। और हम इस बारे में ये देखते हैं कि ये जो शेख ने मिसाल दी ना, ये डेफिनेशन के खिलाफ है। यानी क्या, अल्लाह ताला किसे कहते हैं? अल्लाह ताला वो जात है जो तमाम कमियों से पाक है। अल्लाह ताला के शायर निशान ही नहीं कि वो झूठ बोले, वो शायर निशान ही नहीं, तो यानी उसके डेफिनेशन में ही नहीं है, डेफिनेशन में ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान ताला क्या करता है? जो आप कहते वो नहीं, फआलुल लिमा युरीद, अल्लाह वो करता है जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाह वो करता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह से बच्चा चाहता है। अल्लाह ताला वही चीज चाहता है जो उसकी शाया निशान हो। और आप खुद सोचो, ऐसे बेवकूफ जैसे सवाल पूछने की जगह, कि तुम किसकी इबादत करते हो? क्या तुम एक छूटे माबूद की इबादत करोगे? तो ये कहना कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, और अगर बोलता है तो ये उसकी उसकी कुदरत नहीं है। तो हम देखते हैं अल्लाह वो करता है जो अल्लाह चाहता है। वमन अस्दकु मिनल्लाहि कीला, अल्लाह से सच्चा कोई नहीं है। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये सवाल का जवाब समझ में आया होगा।